प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा आपके लिए निदर्शन टॉपिक के, जिसमें कि अभी तक हम निदर्शन का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, निदर्शन प्रणाली के गुण दोषों को हम जान चुके थे। एक अच्छे निदर्शन की क्या विशेषताएं होती हैं, उनका भी हमने अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिया था। अब हम निदर्शन के प्रकारों पर चर्चा करेंगे और इस प्रकार में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो है देव निदर्शन, वो आज का हमारा टॉपिक है। विभिन्न सांख्यिकविदों एवं समाज वैज्ञानिकों ने निदर्शन के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया। हम अपने अध्ययन में निदर्शन के किस प्रकार अपने अध्ययन में निदर्शन का किस प्रकार से चयन करेंगे, यह समग्र धन, श्रम एवं अनुभव की उपलब्धता आदि कई बातों पर निदर्शन करता है। देव निदर्शन, सबसे पहले देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना होती है। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर उसके स्थान पर संभावना को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, जिसमें समग्र की सभी इकाइयों के निदर्शन में चुने जाने की समान संभावना होती है। निदर्शन में आने के लिए प्रत्येक इकाई को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता का झुकाव किसी इकाई विशेष के चुनाव की तरफ नहीं होता, वरन चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया देव एवं संयोग पर छोड़ दी जाती है, इसलिए इसे देव निदर्शन भी कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने देव निदर्शन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हार्पर के अनुसार, एक देव निदर्शन वह निदर्शन है जिसका चयन इस प्रकार हुआ हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। यानी कि हार्पर मानते हैं कि देव निदर्शन ऐसा निदर्शन है जिसमें जब चयन प्रक्रिया से कोई समग्र गुजरता है निदर्शन के, तो उसकी प्रत्येक इकाई को इसमें चुने जाने की समान संभावना प्राप्त होती है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार, देव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चयन प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि गुडे और हार्ट भी ये मानते हैं कि समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना देव निदर्शन के अंतर्गत है। यूल तथा कैंडल के अनुसार, जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने के समान अवसर हों, तब समग्र से इकाइयों का चुनाव देव निदर्शन कहलाता है। फ्रैंकेट, देव निदर्शन वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर हो। तो अभी तक हमने कई सारे विद्वानों की परिभाषाएं देखी और हमने पाया कि स्पष्ट है कि देव निदर्शन असावधानीपूर्ण, अव्यवस्थित तथा लापरवाही पूर्वक एवं आकस्मिक नहीं होता है। इसको व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक इकाई को इसमें से चुने जाने की समान संभावना होती है। अब हम देव निदर्शन चुनने की प्रविधियों को जानेंगे। देव निदर्शन विधि के अनुसार निदर्शन निकालने की अनेक प्रविधियां हैं। उनमें से कुछ अधिक प्रचलित प्रविधियां हैं लॉटरी विधि, कार्ड विधि, टिपेट विधि, ग्रिड विधि, नियमित तथा अनियमित अंकन विधि। इन सभी को भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लॉटरी विधि। इस विधि में समग्र की सभी इकाइयों के नाम अथवा नंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें मोड़ दिया जाता है। इन सभी कागजों की चिटों को किसी बर्तन, बॉक्स, झोले में डाल अच्छी तरह से हिला दिया जाता है ताकि वे भली भांति से मिल जाए। इसके बाद निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा अथवा स्वयं आंखें बंद करके उतने कार्ड या चिट निकाल लिए जाते हैं जितनी इकाइयां निदर्शन में सम्मिलित करनी है। इस प्रकार जो इकाई देव योग से चुनाव में आ जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लॉटरी में पुरस्कार निकालने के लिए भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। कार्ड या टिकट प्रणाली। कार्ड प्रणाली लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर अथवा कोई प्रतीक, एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर अंकित कर दिया जाता है। इन कार्डों को एक ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और एक कार्ड निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है, दूसरा कार्ड निकाल लिया जाता है। इस प्रकार यह क्रिया उतनी बार की जाती है जितने कार्ड हमें निकालने। इस विधि से जो कार्ड निकाले जाते हैं
उनसे संबंधित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। लॉटरी विधि एवं कार्ड प्रणाली में मूल अंतर यह है कि लॉटरी में आंखें बंद करके चिट्ठी निकाली जाती है, जबकि इस विधि में आंखें खुली रखकर कार्ड निकाले जाते हैं। इस विधि का उपयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि सभी कार्डों का आकार, रंग, रूप, मोटाई एक जैसी हो, अन्यथा उनके चयन में पक्षपात आ सकता है। टिपेट विधि। प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की एक सूची तैयार की और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। टिपेट संख्या से निर्देशन चुनने का तरीका इस प्रकार है। माना कि हमें 500 छात्रों में से 30 छात्रों का निर्देशन निकालना है, तो पहले हम 500 छात्रों के नामों को क्रमवार लिख देंगे। फिर टिपेट संख्या की पुस्तक का कोई भी एक प्रश्न निकालकर उनमें से प्रथम 30 संख्याओं को नोट कर समग्र में से उन्हीं संख्याओं को अध्ययन के लिए चुन लेंगे। यदि समग्र की कुल इकाइयों की संख्या कम है तथा प्रथम 30 संख्याओं में कुछ संख्याएं अधिकतम क्रम संख्या से अधिक हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा और उनके स्थान पर उनके आगे वाली संख्या ले ली जाएगी। टिपेट की संख्या अधिक वैज्ञानिक मानी जाती है और उनका उपयोग भी बहुत होता है। यह विधि अधिक शुद्ध है। ग्रिड प्रणाली। इस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव में किया जाता है। यदि किसी नगर, प्रदेश या क्षेत्र में से कुछ इकाइयों का चयन करना हो तो पहले उस क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रख दिया जाता है। यह ग्रिड प्लेट सेलुलॉइड अथवा किसी पारदर्शक पदार्थ से बनी होती है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने रहते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं। यह पहले से ही तय कर लिया जाता है कि निर्देशन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतने ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है। ग्रिड मानचित्र आता है, उन पर निशान लगा दिया जाता है, उन्हें ही निर्देशन का क्षेत्र मानकर उनका अध्ययन किया जाता है। नियमित अंकन प्रणाली। इस विधि में पहले समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग, काल अथवा स्थान आदि के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके बाद यह निश्चित कर लिया जाता है कि समग्र में से हमें कितनी इकाइयों का चयन निर्देशन हेतु करना है। साथ ही एक इकाई से दूसरी इकाई के बीच की संख्यात्मक दूरी को भी तय कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें 100 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों का चयन करना है तो पहला 10वां, 20वां, 30वां और इसी क्रम में 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से काल, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार भी समग्र की इकाइयों को व्यवस्थित करके उनमें से निर्देशन का चुनाव कर लिया जाता है। इस प्रणाली में पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती। अनियमित अंकन प्रणाली। इस विधि से निर्देशन का चुनाव करने के लिए पहले समग्र की समस्त इकाइयों की सूची बना दी जाती है तथा प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर शेष इकाइयों की सूची में से निर्धारित मात्रा में अनियमित ढंग से इकाइयों का पर निशान लगा लिया जाता है। उदाहरण के लिए 100 छात्रों में से 10 छात्रों का निर्देशन लेने के लिए पहले उन सभी के नामों की सूची तैयार करनी पड़ेगी। तत्पश्चात 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इसी प्रकार से अन्य वर्गों में भी प्रत्येक वर्ग में से किसी भी एक इकाई पर सही का निशान लगा देंगे और इस प्रकार कुल 10 इकाइयों का चयन कर लिया जाएगा। इस विधि में पक्षपात आने की संभावना रहती है। अब हम देव निर्देशन प्रणाली के गुणों पर चर्चा करेंगे। इस विधि में प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, अतः यह विधि प्रतिनिधित्वपूर्ण है तथा इसमें समग्र की अधिकाधिक विशेषताएं विद्यमान होती है। यह विधि एक वैज्ञानिक विधि है, जैसा कि एकॉफ कहते हैं कि देव निर्देशन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निर्देशन का आधार है। यह निर्देशन की सबसे सरल विधि है। इसमें जटिल अथवा गूढ़ सिद्धांतों का पालन नहीं करना पड़ता। इस विधि में निष्पक्षता का गुण मौजूद है और निर्देशन के चुनाव में किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती, अतः इसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती। इस विधि में समग्र धन और श्रम की पर्याप्त बचत होती है, अतः यह विधि मितव्ययतापूर्ण है। इस विधि में इकाई के चयन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धता रह गई हो तो उसका पता लगाना सरल होता है। देव निर्देशन प्रणाली के दोष या सीमाएं। इस विधि में समग्र की सूची होना आवश्यक है, किंतु कई बार सूची उपलब्ध नहीं हो पाती है, तब इस विधि द्वारा निर्देशन ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता। यदि समग्र बहुत छोटा हो अथवा कुछ इकाइयां इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका निर्देशन में समावेश अनिवार्य हो तो ऐसी स्थिति में देव निर्देशन उपयुक्त नहीं होता है। जब समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हो और सजातीयता का अभाव हो तब भी इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता।
जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो और इकाइयां दूर दूर तक फैली हो तभी उनमें संपर्क करना कठिन होता है। देव निर्दर्शन में विकल्प की संभावना नहीं होती, विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होता है। ऐसी स्थिति में देव निर्दर्शन अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इन कमियों अथवा दोषों के बावजूद भी देव निर्दर्शन प्रणाली में कुछ गुण हैं जिनके कारण इस विधि का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में या लून चाओ ने लिखा है कि देव निर्दर्शन निश्चित रूप से एक क्षम्य प्रणाली है। यदि समग्र विशाल न हो और यदि निर्दर्शन इकाइयों का चुनाव संबंधित रूप से सरल व कम खर्चीला हो तो यह उन विशाल समग्रों के लिए व्यवहारिक प्रणाली है जिनके तत्वों का केंद्रीकरण एक छोटे से क्षेत्र में हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने निर्देशन के प्रकारों में देव निर्देशन पर विस्तार से चर्चा की। हमने उसके अर्थ और परिभाषा को जाना, उसकी देव निर्देशन चुनने की प्रविधियों को जाना, देव निर्देशन के गुण दोषों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि निर्देशन के प्रकारों को समझने में मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। मेरा वीडियो अब तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।